हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटनेस बेसिक्स। दिस इज़ योर होस्ट वेंदर रावत। गाइस, आज हम उन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो नॉर्मली बिगिनर्स करते हैं जिम में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। सो इन सब मिस्टेक्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एंड साथ ही साथ उनकी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, सो दैट आप ये मिस्टेक जिम में दोबारा ना करें। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मिस्टेक यहाँ पे आती है कि एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान का नहीं होना। गाइज, अगर आपके पास एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान नहीं है तो आप अपनी एक्सरसाइज को बेटर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान से मेरा मतलब है कि उसमें सारी एक्सरसाइज होनी चाहिए आपकी, कौन सी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज आपको लगानी है, नंबर ऑफ सेट्स कितने होने चाहिए, आपकी रैप रेंज कितनी होगी, जो एक्सरसाइज की रेंज ऑफ मोशन कितनी होनी चाहिए और इवन ब्रीथ इन ब्रीथ आउट भी क्या होनी चाहिए। सो ये सब आपकी वर्कआउट प्लान में आती है। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप एक ट्रेनर की हेल्प ले सकते हैं अपने वर्कआउट प्लान को डिज़ाइन करने के लिए, या फिर किसी एक पर्सन की हेल्प लीजिए जिसे अच्छी नॉलेज एक्सरसाइज की, जो आपके वर्कआउट प्लान को डिज़ाइन कर सके। दूसरी मिस्टेक यहाँ पे ये है गाइस कि एक वर्कआउट प्लान को प्रॉपर फॉलो नहीं करना। एक वर्कआउट प्लान को प्रॉपर फॉलो करने से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जो वर्कआउट प्लान है आपका, उसको आपको एटलीस्ट फॉलो करना है 12 वीक्स के लिए, 12 हफ्तों के लिए, ताकि आपकी बॉडी आपको प्रॉपर रिजल्ट दे सके। एट मीन्स आपको एक वर्कआउट प्लान तभी चेंज करना चाहिए जब आपकी बॉडी एक जो रिजल्ट है उसको देना स्टॉप कर देती है। या दूसरी लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि आपको एक वर्कआउट प्लान तब तक फॉलो करना है जब तक आपकी बॉडी प्लेटो को हिट नहीं करती। प्लेटो का बेसिकली मतलब होता है कि व्हेन योर बॉडी स्टॉप गिविंग रिजल्ट्स। सो गाइज, आपको एक वर्कआउट प्लान को तब तक फॉलो करना है जब तक आपकी बॉडी आपको रिजल्ट दे रही है। सो गाइज, मैं आपको यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप किसी भी वर्कआउट प्लान को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स, बिकॉज आपकी बॉडी न्यू है किसी वर्कआउट प्लान को फॉलो करने के लिए, किसी भी ट्रेनिंग के लिए एंड किसी भी एक्सरसाइज करने के लिए। सो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। और आपको जरूरी नहीं है सारे वर्कआउट प्लान एक ही दिन में फॉलो करना है, आपको एक वर्कआउट प्लान को फॉलो करना है अप टू 12 वीक्स, सो दैट यू विल गेट द बेटर रिजल्ट्स। गाइज, यहाँ पे जो तीसरी और डेडली मिस्टेक है वो है वार्म अप को इंक्लूड नहीं करना। जैसा कि मैंने आपको अपनी बहुत सी वीडियोस में बताया कि 10 से 15 मिनट का वार्म अप बहुत ही जरूरी है अपनी मेन एक्सरसाइज लगाने से पहले। बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वो जिम में एंटर करते हैं और उनकी जो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है डायरेक्टली स्क्वाट रैक के नीचे या फिर बेंच प्रेस रैक के नीचे। सो इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी है वार्म अप को अपनी मेन एक्सरसाइज लगाने से पहले, बिकॉज वार्म अप से क्या होता है, इट गिव्स अ सिग्नल टू अ नर्वस सिस्टम सो दैट आपकी बॉडी प्रिपेयर करे खुद को हैवी वेट को लगाने के लिए। जितना ज़्यादा वार्म अप करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो होगा एंड उतने ज़्यादा न्यूट्रंस कैरी करेंगे थ्रू ब्लड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। जितना ज़्यादा और अच्छे से आप वार्म अप करेंगे उतनी कम आपको इंजरीज होंगी ड्यूरिंग योर वर्कआउट। सो दैट्स वाई दिस वार्म अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गाइज, यहाँ पे जो चौथी मिस्टेक है वो है प्रॉपर सेट्स और रैप रेंज का पता नहीं होना। अगर आप एक बिगिनर हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपर सेट्स और रैप रेंज का पता होना। आपकी जो एक्सरसाइज होनी चाहिए वो 4 to 5 होनी चाहिए और आपके जो सेट्स होंगे वो 3 to 4 होने चाहिए और रैप रेंज आपकी रहेगी 8 से 12 रिपीटेशन आपके रहेंगे। आपको कोई भी जरूरत नहीं हैवी वेट लगाने की 3 to 4 रैप के साथ या फिर लोअर वेट लगाने की 15 से 20 रैप के साथ। आपकी जो रैप रेंज को रखना होगा आपको 8 से 12 रिपीटेशन ताकि आप एक प्रॉपर वेट लगा सकें। गाइज, यहाँ पे जो पांचवी मिस्टेक है वो है कि एक बॉडी पार्ट को एक दिन में नहीं लगाना। गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप एक ही बॉडी पार्ट पे कंसंट्रेट करें एक दिन में, तो सिर्फ उसकी एक्सरसाइज आप लगाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आज बाइसेप एक्सरसाइज करनी है तो आप सिर्फ बाइसेप की एक्सरसाइज ही करेंगे, आप किसी दूसरे बॉडी पार्ट को ट्रेन नहीं करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन अ बॉडी पार्ट, ए सिंगल बॉडी पार्ट इन अ डे। गाइज, यहाँ पे जो सिक्स्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक है बेसिकली वो ये है कि बिगनर्स कोशिश करते हैं कॉपी करने की उन लोगों को जो हैवी वेट लगाते हैं जिम में। गाइज, आप एक बिगनर हैं सो आपको कोई भी जरूरत नहीं उतना हैवी वेट लगाने की, बिकॉज आपको नहीं पता जो हैवी वेट लगा रहे हैं उन्हें कितना एक्सपीरियंस है एक्सरसाइज करने का और कितनी नॉलेज है फिटनेस के बारे में। आप एक बिगनर हैं सो आप ऐसा वेट चूज कीजिए जो आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हो और आपकी स्टेमिना के अकॉर्डिंग हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू कॉपी दोज गाइज। अब यहाँ पे हम बात करते हैं साथ ही मिस्टेक के, वो है नॉट ड्रिंकिंग द वाटर बिटवीन द सेट्स। गाइज, जैसा कि मैंने आपको अपनी बहुत सी वीडियोस में बताया है, वाटर का इंटेक करना ड्यूरिंग वर्कआउट बहुत ही जरूरी है, बिकॉज दिस विल कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। इससे आपकी बॉडी में क्रैम्स भी नहीं आएंगे और आपको इंजरी से भी प्रिवेंट करेगा। सो ये बहुत ही जरूरी है वाटर का इंटेक करना ड्यूरिंग योर वर्कआउट। गाइज, अब यहाँ पे बात करते हैं आठवीं सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में, वो है इग्नोरिंग द बिग मसल ग्रुप। बेसिकली जो बिगनर्स होते हैं नॉर्मली चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं या फिर बाइसेप्स की करते हैं, बिकॉज दीज टू आर द मोस्ट विजिबल पार्ट्स इन ह्यूमन बींग। एंड जो बड़े मसल ग्रुप को इग्नोर करते हैं, लाइक योर शोल्डर्स, योर बैक, योर डेडलिफ्ट, योर हैमस्ट्रिंग, योर ग्लूट्स। सो इन सभी बॉडी पार्ट को ट्रेन करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक वीक में, एंड सो दैट यू विल गेट द सिमेट्री इन योर बॉडी। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज मसल ग्रुप्स ऑल्सो।
अब यहाँ पे बात करते हैं मिस्टेक नंबर 9 के बारे में, वो है नॉट लर्निंग द एक्सरसाइज स्किल। बिकॉज गाइज एक्सरसाइज की स्किल को लर्न करना बहुत ही जरूरी है, आपको पता होना चाहिए आपको किस तरह से एक्सरसाइज लगानी है, एक्सरसाइज की क्या मूवमेंट होनी चाहिए, क्या उसकी रेंज ऑफ मोशन होनी चाहिए और किस तरह से कंट्रोल फॉर्म में आपको एक्सरसाइज लगानी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द एक्सरसाइज स्किल। गाइस जो 10वीं और आखिरी मिस्टेक है यहाँ पे वो है मसल माइंड कनेक्शन को डेवलप नहीं कर पाना। बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में, सो आपका प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी है बहुत फिजिकली एंड मेंटली, सो दैट यू कैन डेवलप दैट मसल माइंड कनेक्शन। एंड सेकंडली आप जो भी सेट्स लगाएंगे जो भी रैप्स लगाएंगे आपको हर एक सेट्स को एंड हर एक रैप को फील करना है, सो दैट यू कैन डेवलप दैट मसल माइंड कनेक्शन बेटर। ऑलराइट गाइस ये थी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मिस्टेक्स को लेकर जो नॉर्मली बिगनर्स करते हैं जिम में। आई होप इस वीडियो के बाद आप ये सारी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, वीडियो को शेयर कीजिए सो देट आपको फ्रेंड्स को भी पता चले इसके बारे में, एंड सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। ऑलराइट गाइस स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।